हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिकलैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट T20I मैच खेला जाना है उसके बारे में। तो चलिए सारा कुछ आपको डीपली बताएंगे, लेकिन आप उससे पहले, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और कौन सा खिलाड़ी का, मतलब आज खेलने का चांस नहीं है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला बात है कि ये जो मैच खेला जाना है 20 सितंबर 7:30 बजे रात में खेला जाना है, ठीक है। उसके बाद ये मोहाली ग्राउंड, बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज ये टोटल मैचेस देख लेते हैं। तो टोटल मैच दोनों जो टीमें खेले हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 2 बार जीते हैं, वहीं 3 बार चेस करते हुए जीता है। वहीं पर ही बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 177 का फर्स्ट विनिंग स्कोर है। उसके बाद फर्स्ट एवरेज जो है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 170 है, सेकंड का एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए 211 चार विकेट पर, और हाईएस्ट चेस जो है 211 चार विकेट पे ही है। उसके बाद आज लोएस्ट डिफेंड जो किया गया है आपका 180 पर 5 विकेट, ठीक है। और आगे आपको बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टोटल जो मैचेस खेले गए उसमें से 9 13 मैचेस इंडिया जीते, वहीं 9 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। हेड टू हेड लास्ट मैच देख लेते हैं। तो लास्ट मैच जो 2020 में खेला गया है, 2020 में आपका इंडिया जो है कि देखिए 8 दिसंबर का मैच जीता हुआ है, 6 दिसंबर का जीता हुआ और 4 दिसंबर का जीता है, यानी कि 2020 में जो मैच हुआ है वो इंडिया ने जीता है, वहीं 2019 में जो मैच खेला गया है 2 मैच वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इस जगह पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो की प्लेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो आप इस जगह पे देखिए, सबसे पहला जो की प्लेयर आपके लिए रोहित शर्मा हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लास्ट 5 मैचों में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। उसके बाद लोकेश राहुल हो जाते हैं, उसके बाद आपका विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है और जसप्रीत बुमराह है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ग्लेन मैक्सवेल जो कि बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन भी है, साथ ही साथ वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए पेट कमिंस और जोस हेजलवुड, दोनों का परफॉर्मेंस देख लीजिए। जोस हेजलवुड का देखिए 3 3 विकेट 2 मैचों में 1 विकेट और 1 मैच में लिए हैं, तो इस तरह से आप इनका जो भी स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। बाकी आपको सीबीसी सिलेक्शन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो देख लीजिए, सीबीसी के लिए बेस्ट चॉइस आपके पास हो जाएगा विराट कोहली, उसके हार्दिक पांड्या और ग्लेन मैक्सवेल। हम इंडिया का बात कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा कप्तान होंगे, उसके बाद विराट को सॉरी लोकेश राहुल, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, चहल, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया का हो गया, ठीक है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिखा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देख लीजिए एरोन फिंच कप्तान, उसके बाद जोस साथ में ओपनिंग करेंगे, उसके बाद स्मिथ है, मैक्सवेल है, कैमरॉन ग्रीन है, मैथ्यू वेड है, पैट कमिंस है, डेनियल सम्स है, जो सेडलवुड है, एडम जंपा है और केन रिचर्डसन है। तो ये सारा प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया का तरफ से हो गया, ठीक है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका जो अपडेट हमने बोला था कि कौन सा खिलाड़ी आज नहीं खेल सकता है, तो आज खिलाड़ी वो है आपका मोहम्मद शमी, जो कि COVID-19 के शिकार हो चुके हैं और ये मतलब बाहर हो चुके हैं इस मैच से या फिर इस सीरीज से, ठीक है। T20 सीरीज जो दिख रहा है यहाँ पर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि रोल्ड आउट दिस T20 सीरीज, यानी कि मोहम्मद शमी इस
आपका ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको जानने के बाद अब चलते हैं ड्रीम इलेवन पर लेकर के, हम लोग टीम आखिर क्रिएट किए हैं तो कौन कौन से खिलाड़ी हमारे टीम में होना चाहिए। तो सिंपली हम आपको एडिट करके दिखा देते हैं, टीम हमने क्रिएट किया हुआ है। तो विकेट कीपर सिलेक्शन से हमने मैथ्यू वुड को अपने टीम में रखा, आप चाहें तो ऋषभ पंत को रख सकते हैं या अगर दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो इनको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आपको दिखा देते हैं बैटिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन से हमने चार बल्लेबाज लिया है। पहला बल्लेबाज जो है हमारा रोहित शर्मा है, उसको विराट कोहली है, स्मिथ है और एरोन फिंच है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से देख लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से ग्लेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या, डेनियल शम्स, आप चाहें तो अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं या फिर कैमरून गिल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जोश हेजलवुड बॉलिंग सेक्शन से, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, ठीक है। तीन बॉलर हमने रखा अपने टीम में क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप प्यार दीजिए और इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो इस टाइप से आपका टीम देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहें तो सीबीसी का इनके साथ भी जा सकते हैं, इनके साथ भी जा सकते हैं, आप चाहें तो मैथ्यू वेड के साथ भी जा सकते हैं, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।